दोस्तों, फिर से आप सभी का हमारे चैनल पीपी व्लॉग में। और जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं पुरानी बस्ती में रहती हूँ। पुरानी बस्ती में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जगन्नाथ स्वामी का मंदिर। और अभी दो दिन बाद रथ यात्रा है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ स्वामी को रथ में बिठाकर उनकी मौसी के घर ले जाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक बहुत ही सुंदर रथ बनकर तैयार हो गया है। ये जो है इस साल नया रथ बनाया गया है। इसके पहले यहाँ पर जो रथ था वो भी बहुत पुराना था, लगभग 25 से 30 साल तक वो रथ जो है उसमें भगवान स्वामी जगन्नाथ स्वामी जी को ले जाया जाता था। लेकिन इतने सालों से वो रथ इस्तेमाल में किया जा रहा था और उसमें वो डैमेज होने लगा था, उसमें खराबी आने लगी थी, उसकी लकड़ियाँ गलने लगी थी। तो इस वजह से 30 साल बाद नया रथ बनकर तैयार हुआ है। तो जो यहाँ पे रहते हैं, पहले रहे हुए लोग हैं या जो अभी भी रहते हैं या जो इस जगह को जानते हैं, उनको पता होगा कि वो रथ कितना पुराना था और इतने सालों तक भगवान उसमें अपनी मौसी के घर जाते थे, लेकिन उसमें खराबी आई, इस वजह से इसको नया बनाना पड़ा। तो जो लोग यहाँ पे रहते थे वो ज़रूर उस रथ में खेले होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये परंपरा रही है कह सकते हैं, या मतलब रथ यात्रा के लगभग हफ्ते 10 दिन पहले जो रथ जहाँ जिस कमरे में रहता है वहाँ उसको बाहर निकल के रख दिया जाता था और उसकी साफ़ सफाई पेंटिंग होती थी। तो यहाँ के मोहल्ले के सारे बच्चे और जितने लोग हैं उसमें चढ़ चढ़ के खूब खेला करते थे। हम भी अपने बचपन में बहुत खेले उस रथ में। और जो लोग यहाँ रह चुके हैं या इस जगह को छोड़ के जा चुके हैं, ज़रूर उनका भी इस रथ से, रथ यात्रा से बहुत सारी उनकी यादें जुड़ी हुई होंगी। तो आप देख सकते हैं कि रथ बहुत ही सुंदर बन गया है। तो अगर आप भी रायपुर में रहते हैं, रायपुर के किसी भी एरिया में रहते हैं और अगर आप रथ यात्रा त्यौहार को पास से देखना चाहते हैं, करीब से देखना चाहते हैं और के बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप श्री जगन्नाथ स्वामी के मंदिर आ सकते हैं और यहाँ पे आप रथ यात्रा का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया मेला भरता है। इसके अलावा मंदिर पे बहुत अच्छी पूजा होती है, यज्ञ होता है और बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने रथ यात्रा त्यौहार कैसे मनाते हैं नहीं देखा है, तो ज़रूर आइए और इस बार यहाँ पे इस त्यौहार का मजा लीजिए।